नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। आज डीसीसी बैंक के चुनाव में बगदल के दरगाह के साहेब डॉक्टर इदरीस कादरी ने अपना वोट डाला। मोदी जी के खुलासे से केसीआर परिवार और बीआरएस में फूट पड़ी, बोले बीजेपी नेता संजय बंदी। रमेश विधूड़ी विवाद, लोकसभा की विशेष अधिकार समिति की 10 अक्टूबर को पहली बैठक। बीजेपी बहुत कलाकार पार्टी, अफवाहें छोड़ने में माहिर, बोले सचिन पायलट। सिक्किम बाढ़, एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 7 लोगों को बचाया। एशियाई गेम्स, मुक्केबाजी में लवलीना को सिल्वर मेडल। बंगाल सरकार ने मनरेगा में किया भ्रष्टाचार, इसलिए रोके फंड, साध्वी निरंजन ज्योति। जम्मू कश्मीर कुलगाम में इनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में 4 साल के बच्चे की सेकेंड फ्लोर से गिरकर मौत। पहले ग्लेशियर लेक के ऊपर फटा बादल, फिर टूटी झील की दीवार, सिक्किम में रात में अचानक ऐसे आई तबाही। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया शरद पवार का था, देवेंद्र फडणवीस का दावा। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में 48 में 40 से ज्यादा सीटें जीतेगा, देवेंद्र फडणवीस। हरियाणा मोनू मानेसर को लेकर हिंदू संगठनों की महापंचायत, पहुंचे सैकड़ों लोग। आतंकी शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस को पत्नी की तलाश। भूपेश बघेल की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई, रमन सिंह। ग्वालियर फिजिकल यूनिवर्सिटी LNIP के छात्रों को फूड पॉइजनिंग, 100 से ज्यादा बीमार। अजीत जोगी के कार्यकाल में भय और आतंक के साय में था छत्तीसगढ़, रमन सिंह। शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को समन भेजा। नांदेड़ अस्पताल के डीन से टॉयलेट साफ कराने पर एक्शन, सांसद हेमंत पाटिल के खिलाफ FIR। 6 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर आएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम रेड्डी, मोदी शाह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के यहाँ ईडी के छापों पर, बोले गोपाल राय, अगला चुनाव हार रहे हैं मोदी जी। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिलिंग चुनाव में वोटिंग जारी, 26 सीटों पर 87 उम्मीदवार मैदान में। संजय सिंह के यहाँ ईडी के छापे पर, बोले तेजस्वी यादव, चुनाव है ये तो होता ही रहेगा। 2017 के बाद पहली बार आज सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।